हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 रीजन कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करने चाहिए। ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा। फर्स्ट रीजन आता है वर्क प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी जॉब हो उसके अंदर वर्क प्रेशर तो रहता है, बट अगर मैं बात करूं SBI PO की, जो एक अच्छी खासी रेपुटेड पोजीशन है जिसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, उसमें अगर मैं एक PO की बात करूं, PO को ब्रांच के अंदर 9 आवर प्लस उसको स्पेंड करने पड़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है भाई मेरे से स्पेंड हो जाएंगे, मुझे सिर्फ काम ही तो करना है। आपको कस्टमर डीलिंग फेस करनी पड़ेगी जिसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, प्लस आपको कुछ डेली के, वीकली के और मंथली के टारगेट दिए जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको APJY अकाउंट खोलने हैं भाई, आपको 10 दिन के अकाउंट खोलने हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। अब आप 10 लोग कहाँ से लेके आओगे जो आपको अकाउंट ओपन के लिए रेडी रहेंगे? अब आप कोई भी कस्टमर आएगा उसको आप बोलोगे, यार आपने कोई दोस्त वगैरह हो जिनका कोई अकाउंट ओपन ना हो उनको आप भेजिए। अब वो हो सकता है अच्छा इंसान होगा तो कुछ दोस्तों को भेज देगा, वरना अगर मेरा जैसा होगा तो वो बोलेगा, यार ऑलरेडी मैं एक बैंक के अंदर हूँ तो मेरे भी दोस्त का अकाउंट है तो मैं क्यों भेजूँ। अब आपको इंश्योरेंस लोगों को चिपकानी होगी। अब आपके मन में आ रहा है कि इंश्योरेंस ऐसा कैसे, जैसे आजकल जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री हैं, कोई भी बैंक उठा लीजिए, SDFC उठा लीजिए, SBI उठा लीजिए, यूनियन बैंक उठा लीजिए, उनको इंश्योरेंस चिपकानी होती है। जैसे SBI लाइफ हो गया, ICICI लाइफ हो गया, हर एक बैंक का एक इंश्योरेंस पार्टी के साथ एक टाई अप होता है। अब जो भी कस्टमर आ रहा है उसको आप बोलेंगे, सर आपके पास इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप हमारी ये इंश्योरेंस लीजिए, इसके अंदर ये लाभ, ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस भी उसको बेच दी, अब उसको बेचना होगा आपको क्रेडिट कार्ड। भाई आजकल हर एक बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है, अब वो भी आपको बेचना होगा, अब उसको आपको लोन देना होगा। अब आपको भी फोन आते होंगे कि सर आपका प्री अप्रूव्ड लोन निकला है, आप ले लीजिए। कितने बैंक के फोन आते हो, हर कोई भी कस्टमर लोन लेने को रेडी नहीं है, क्रेडिट कार्ड लेने को रेडी नहीं है, इंश्योरेंस लेने को रेडी नहीं है। अब ये तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर का। अब जो बंदा मेरी तरह PO ब्रांच के अंदर बैठा है उसको ये सब चीजें देनी होगी। अगर वो ये चीजें जो मंथली का उसको जो वीकली का जो टारगेट मिलता है वो अगर उसका फुलफिल नहीं हो पाएगा तो उसको नोटिस मिलेगा कि सर आप अपनी जॉब को सही से नहीं कर पा रहे। अगर आप ये चीजें ऑन टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एवरी डे इज नॉट ए ग्रीन डे। तो ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको बैंक की ओर से एक नोटिस मिलेगा कि आप अपनी जॉब को सही से नहीं कर रहे। ऐसे आपको अगर 3-4 नोटिस मिल गए तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर आपका बैंक ऑल इंडिया के अंदर है, जिस भी बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपका काम करने का मन नहीं करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मुझे आंध्र प्रदेश का कोई भी एक गांव दे दिया रिमोट एरिया के अंदर, जहां पे लोगों को हिंदी बोलनी भी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, वहां का जो फूड है, वहां का जो कल्चर है, वहां पे मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। अब ऐसी जगह पे आपको दे दिया जाएगा, भैया आपको यहाँ काम करना है। अब आप अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर रहेंगे और आपको वहीं पे भी 9 घंटे काम करने पड़ेंगे, वही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये बात हो गया वर्क प्रेशर की, जो नंबर 1 रीज़न आता है। नंबर 2 रीज़न आता है प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, आजकल किसी भी बैंकिंग जो गवर्नमेंट बैंक है उनका कोई भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो आपका बैंक, जिस भी बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, आज हो सकता है कि वो सही हो, पर आगे आने वाले 10 साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो आपके मन में ये है कि यार चलो मेरा SBI निकल गया, मेरा PNB निकल गया, अब मेरी लाइफ सेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी दोस्त से पूछ लीजिए, या आपका आप रैंडम किसी भी ब्रांच के अंदर जाइए, वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर उससे आप पूछिए कर क्या आप अपने जॉब से खुश हैं। 99% लोग बोलेंगे नहीं यार, क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा टारगेट दिए जाते हैं वो किसी से भी इंसान से फुलफिल नहीं हो पाते हैं। अब नंबर 3 रीज़न आता है आपका ट्रांसफ़र। देखो, कोई भी आदमी है वो एक जॉब सेटलमेंट चाहता है। मान लो कि मेरा घर दिल्ली के अंदर है और मैंने ही वहाँ पे मेरा, मतलब ऐसा मेरा ओपिनियन है कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक जगह रहूँ, क्योंकि एक टाइम बाद आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपका फुल फैमिली होगा, बच्चों का स्कूल होगा, सब कुछ होगा, तो आप हर 3 साल बाद में आप ट्रांसफ़र अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट बैंक के अंदर ऐसा है, बैंक आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। आज आप इस स्टेट में हैं तो हो सकता है 3 साल बाद आप दूसरे स्टेट में हैं,
हाँ, अगर आप ऐसे क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो आज के लिए ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि क्लर्क का फ्यूचर क्या है, तो मैं क्लर्क के बारे में नहीं बोलूँगा। अब इसमें ये रहता है, फोर रीज़न ये है, कोई भी आपका फिक्स वर्किंग आवर नहीं है। आपको हो सकता है कि ब्रांच के अंदर 10 घंटे काम करने पड़े, हो सकता है जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आपको बुला लिया जाए, हो सकता है कि आपके नेबर का कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बंदा लीव पर है तो आपको वहाँ पे डेपुटेशन के तौर पे भेज दिया जाए, भाई वो बंदा लीव पर। हाँ, एक रीज़न मेन इंपॉर्टेंट ये है, आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते। बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जहाँ पे एक मैनेजर, दो क्लर्क या एक क्लर्क ही रहता है, दो या तीन का स्टाफ ही वहाँ पे रहता है। वहाँ पे अगर आप ब्रांच मैनेजर या बैंक पीओ के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टियाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो ब्रांच कैसे चलेगी। तो एक्सेप्शन केस हो, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन केस हो तो ही आपको छुट्टियां दी जाएंगे, वो भी लॉन्ग छुट्टियां तो भूल जाइए। मतलब ऐसा तो आप मन से निकाल लीजिए कि मैं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा, मस्त यूरोप का ट्रिप मार के आऊंगा, मैंने खूब सारी सेविंग की है, या मतलब यूरोप छोड़िए, इंडिया का कोई भी जगह 1 हफ्ते की छुट्टी मैक्सिमम मिल सकती है, वो भी एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस पे, वरना आपको जो छुट्टियां मिलेंगी वो 1 या 2 दिन की ही आपको छुट्टियां मिलेंगी। अब बात आती है प्रमोशन की। हम देखते हैं कि यार बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर फास्ट प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं है, हर एक बैंक के अंदर पॉलिटिक्स होती है। आपको प्रमोशन के लिए हर चीज़ के अंदर बेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर से अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी, आपको अपना जो काम है उसको ऑन टाइम पूरा करना पड़ेगा, आपको अपने जो कलीग्स हैं उनसे आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तभी आप एक फास्ट ग्रोथ प्रमोशन के अंदर आ जाते हैं। हाँ, बैंक के अंदर अगर आप एजीएम बन गए हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, तब एजीएम हो गया, डीजीएम हो गया, जीएम हो गया, सीजीएम हो गया, यहाँ पे लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, पर यहाँ तक आने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो अगर आप जॉब लेस हैं अभी आज के तौर पे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मुझे यार तुरंत तुरंत जॉब चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप आइए, बट यहाँ से आप एक जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको लग जाएगा पता कि यार अब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। थैंक यू। चप्पल बस सारे काम तो एक दर्जा लेना साइए।